संत हिरदाराम नगर में कई सामाजिक संस्थानों ने नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। संस्थानों का कहना है कि इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यकों को देश में नागरिकता दी जा सकेगी। संत हिरदाराम नगर की अग्रणी संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई और नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया गया। संस्थानों का कहना है कि इस बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस बिल के पास हो जाने से पूरे देश में खुशी का माहौल है, किंतु कुछ राजनीतिक दल स्वार्थवश एवं प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर बिल का विरोध कर रहे हैं। देश का माहौल कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। संत नगर के सामाजिक, व्यवसायिक और प्रबुद्ध नागरिकों ने सीए नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में आज रैली का यहाँ पर आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से गृह मंत्री जी का धन्यवाद है, इस रैली के माध्यम से उन सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि किसी के कहने में बस मत चलाओ, किसी के कहने में ऑटो मत चलाओ, कानून को पढ़ो, कानून को समझो। ये कानून 47 के विभाजन में पीड़ित परिवार जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं गए थे, वहाँ जाकर विपताओं में रहे, धर्म खोया, बेटियों की इज्जत लूटी, मठ और मंदिर टूटे, गुरुद्वारे टूटे, चर्च टूटे, बौद्ध बिहारें टूटी और सामाजिक तानावाना टूटा। इस सब के बाद महात्मा गांधी ने ये कहा था कि ऐसे लोग जो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए हैं, वो जब चाहे तब हिंदुस्तान आ सकते हैं। रैली में जिला प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, गणमान्य नागरिक सहित महामंडलेश्वर स्वामी, हंसराज जी महाराज एवं स्वामी हनुमान भाऊ सहित कई संत मौजूद रहे। जगह जगह पर इस रैली का फूलों से वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं समाज सेवी संस्थानों ने नागरिक संशोधन कानून को लेकर कहा कि यह कानून सबके पक्ष में है, अगर किसी को ऐतराज है तो वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हिंसा उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने बिल लेकर आए, सभी को मालूम है, पूरे देश जानता है कि यह बिल किसी के विरोध में नहीं है। केवल जो लोग पीड़ित वहाँ से दूसरे देशों से, पाकिस्तान से, विशेष रूप से पीड़ित लोग यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनका अपना देश यही है, इसलिए उनका दिल बहुत दिन से, जो बहुत वर्षों से जो परेशान समाज में लोग थे, परिवार थे, उनको राहत देने के लिए मिलना। मेरे हिसाब से तो ये देश के हित के लिए। अब इसके अंदर अगर किसी आदमी को ये लगता है कि ये हमारे पक्ष का नहीं है या हमारे विपक्ष का है, तो पहली बात तो क्या है कि जैसे मोदी जी भी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है कि इस चीज़ को अच्छी तरीके पहले आदमी समझे, ना ये हिंदू के पक्ष का है, ना मुसलमान के पक्ष का है, ना ये विपक्ष का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।